कढ़ाई थी जैसे कराची वालों को Thank you.
वाले के में तलाश थी, उसका सूप बड़ा वीआईपी है यार। ये कब से हम ढूंढ रहे थे, आखिरकार मिल गया। तो यहाँ पे सूप पियेंगे, यही सूप ढूंढ रहे थे हम। बिल्कुल सूप कॉर्नर पे सूप लिया है, ये देख इसका लुफ्त लेंगे, मज़े से खाएंगे। और आपको पता है यहाँ ठंड में इसका मज़ा ही अपना है। अच्छा, इसकी जो खास चीज़ है ना वो ये है, इसमें बोटी बोटी चिकन बहुत ज़्यादा डालते हैं। 100। ये होटल की गली है, हम अपने होटल को वापस जा रहे हैं। आपको होटल दिखाते हैं शुरुआत से। ये होटल की एंट्रेंस है, यहाँ से ये होटल शुरू होता है। देख लीजिए कितना खूबसूरत होटल बनाया हुआ है, ये नया बना है और रेट भी मुनासिब है, तो रिकमेंडेड है। यहाँ पे ये अल ज़ैब होटल एंड रेस्टोरेंट नाम है, नाराम में। सर्विस फ़िलहाल तो अच्छी है, बाकी अभी आज की रात गुजर तो पता चले। वालेकुम सलाम। तो अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं। ये है मेरे रूम की चाबी। देखिए भाई, खुश रहना पड़ा है। होटल तो चेक कीजिए, किसी शानदार होटल बनाइए। रूम नंबर 147, ये आपके भाई का रूम है 146। थोड़ी सी हालत बिगाड़ दिए मैंने होटल अभी रूम की, खैर है। ये देखिए ये अलमारी है, अपने कपड़े वपड़े खुद भी बैठ जाइए अंदर कपड़ों के साथ। इतनी बड़ी अलमारी है, बाथरूम बिल्कुल साफ। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है होटल में, बस। हाँ तो भाई, नारायण बाज़ार भी देख लिया और शानी सूप भी पी लिया, भटकी कढ़ाई भी खा ली, सब कुछ कर लिया। अब फाइनली रात हो गई है, तो गुड नाइट। और ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, फिर सब ठीक हो जाएगा।